मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रन लो। शेर जब मैदान में आता है ना, तो शेर को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। तो हमारे खिलाड़ी अगर शेर होते तो वो शिकस्त कभी भी लेके ना आते। वर्ल्ड फेमस टीम है हमारी, सबसे बड़ी टीमों में इनका शुमार है, और 191 पे आउट हो गए हैं। ये जो इंडिया जीता है ना, ये बड़ी जोर से लगी है। आज पाकिस्तान की टीम में एक फियर दिखाई दी है, एक डर दिखाई दी है, खौफ दिखाई दी है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पाकिस्तान टीम एक क्लूलेस टीम नजर आई है। पाकिस्तानियों, आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। दिल के अड़मा आंसुओं में बह के हर बार की तरह मायूसी, शिकस्त का सामना करना पड़ा, और हमारी टीम ने एक बार फिर कहा, लो भाई रोते रहो, धोते रहो और यहाँ पे मरते रहो बस। ओए हाय 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 रोहित, उधर करोड़ इतना है, हमारे के बुक मेकर है, विश्वास ये पैसे देते हैं, पैसे लेकर टीम बिकती है। सही बात है दोस्तों। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की बुरी हार के बाद अल्लाह तौबा, पाकिस्तान की मीडिया और वहां की पब्लिक का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मैं नहीं मानता। बाबर आजम और पूरी टीम को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना है कि वर्ल्ड कप 2023 आप हार जाते लेकिन आप टीम इंडिया से जीत जाते, इस बात की उन्हें बहुत खुशी होती। अल्लाह तौबा। उन्हें श्रीलंका से जीतने पर कोई खुशी नहीं है लेकिन इंडिया से हारने पर बहुत बड़ा गम है। सही बात है। वो अपनी टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि टीम उनकी पाकिस्तान कब आए और उन्होंने जूतों की माला पहनाकर उनका स्वागत करें। वाह भाई वाह। पाकिस्तान की पब्लिक है, पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत कुछ अपनी टीम के बारे में बोला है। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया और पब्लिक ने बाबर एंड बाबर की टीम के बारे में क्या बोला है। कप्तान बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर की नाकामी को हार की वजह करार दे दिया। अच्छा, अम्मा लुट गई। अम्मा लुट गई, शाहिद की अम्मा लुट गई भाई। वाह भाई वाह। इतना डर के पाकिस्तान खेला था, इतना डर को पाकिस्तान नजर आ रहा था। बुजदिल अप्रोच थी पाकिस्तान की कि कहीं से आपने देखा हो इतना बड़ा क्लैश, आज तक मैंने नहीं देखा कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर हुआ। जो पाकिस्तान ने किया साफ पता चल रहा है, ये साफ शो करता है कि ये फियर है, फियर ऑफ इंडिया आपके दिमाग के अंदर चढ़ा हुआ, फियर ऑफ विराट कोहली, फियर ऑफ रोहित शर्मा, फियर ऑफ बुमराह, फियर ऑफ कुलदीप यादव। सही बात है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 130,000 आवाम भरी हुई ग्राउंड में, और रोहित ऐसे छक्के मार रहा है जैसे किसी बच्चों के साथ वो खेल रहा हो, जैसे किसी बच्चे के साथ वो अपने क्या किस तरीके से उसने इनको उठा उठा के मारे, 90 मीटर के छक्के उसने अहमदाबाद के क्राउड में मारे, पूरी टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान की पूरी टीम ने मिलकर एक छक्का नहीं मारा और वो अकेला 6 छक्के मारे। वाह भाई वाह। हमारे प्लेयर्स को वहाँ पे क्रिकेट सिखाई जाती है और कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, हालांकि इंडिया में मैंने उनके ऊपर रिसर्च भी किया कि वो पहले कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। आज ही इन्होंने कह दिया यहाँ बैटिंग पिच नहीं थी, वहाँ कह दिया श्रीलंका में बॉलिंग पिच नहीं थी। भाई तुम लोग जहाँ जाते हो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इंडिया भी श्रीलंका गया था एशिया कप लेके आया ना, तो तुम लोगों का क्या मसला था? बस इन लोगों के ड्रामे और रंडी रोने और कुछ भी नहीं है भाई। आप सोचो, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम एक्टर और उगांडा के गलियों का मौलवी रिजवान, और ये घंटा अगर आज ये रन नहीं बनाते, सोच लो आप 191 से 100 को हटा दो, 91 रन पे आउट हुए बगैर तो डंडा का है मेरा तुम्हारी भाईजान को थोड़ी सी हवा दे देता। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान की मीडिया और फैंस पाकिस्तान की टीम को किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घुटने टेक दी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, तो इनको तो भगवान ही बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक इस समय पागल हो चुकी है और अपनी टीम से काफ़ी ज़्यादा रुष्ट है, और होनी भी चाहिए। अगर इस तरह से आप बैटिंग करते हो, इस तरह से आप बॉलिंग करते हो, तो आपको इंडिया आकर वर्ल्ड कप खेलने की भी परमिशन नहीं है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हम समझते हैं कि कांटे की टक्कर, सांस रोक देने वाला मुकाबला, तब जाके मजा आता हमें भी देखने में। कल के मैच में वो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। आपने पहले स्टार्टिंग में रन बनाए, थोड़ा लग रहा था कि टीम मतलब पाकिस्तान की टीम जो अच्छा कर रही है, लेकिन जैसे ही आपके विकेट गए ऑल आउट हो गए, आप 191 पर ऑल आउट हो गए, रोहित शर्मा उतरते ही मैच जिता दिया। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और लास्ट ओवर की लास्ट गेंद तक मैच जाता है, तब जाके मैच देखने का मजा आता है। वाकई में पाकिस्तान के फैंस और पब्लिक आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और ऑलरेडी मैं इंडिया से होते हुए भी मैं इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि उस तरह से मैच देखने को नहीं मिला जिस तरह से मैच की हम उम्मीद कर रहे थे। 130,000 पब्लिक जो स्टेडियम में बैठी थी, 3.2 करोड़ के समथिंग पब्लिक ऑनलाइन बैठी थी, और उसको आपने क्या दिया, ठेगा, 191 रन पर ऑल आउट हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।